में कालिका की मंदिर है वसती कृष्ण पश्चिम दिशाया। उत्तर पूर्व दिशा में कालिका का मंदिर है और वसती कृष्ण पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में कौन से भगवान है? द्वारकाधीश कृष्ण भगवान। उत्तर दिशायाम रक्षति अम्बा, गुजरात में माता अम्बा की मंदिर प्रसिद्ध है। कुंतेश्वर टू दक्षिण धाम, शिव जी का जो लिंग है कुंतेश्वर वो दक्षिण धाम। तो गुजरात के चारों दिशा हमारी पावन भूमि है। जय फिर कह रही है धन्य देव रक्षिता गुजरी, मैं धन्य हूँ कि मेरी रक्षा कौन कर रहे हैं? देव है ना, जिनके चारों दिशा में भगवान विराजमान है उनकी रक्षा तो अच्छे से होनी है। जय जय मैं धरा गुजरी, मैं धरती गुजरात की मैं धन्य हूँ। यहाँ तक आया समझ में? यस। पुण्य सलीला नर्मदा माता, पुण्य सलीला मतलब नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है, जो पुण्य है सूर्य तन्या बहती विपुला। और यहाँ पे मैं सूर्य तन्या बहती विपुला जो नदी है तन्या वो भी बह रही है। साम्रमध्य इतिहासो विशाल, साम्रमध्य जगह का नाम है, इसके इतिहास बहुत विशाल है। गुर्जर देशस्य महाप्रभाव, गुजरात के देश जो है, गुजरात जो है पूरे देश में अपना बहुत अच्छा प्रभाव है, उसका प्रसिद्ध राज्य है। धन्या धर्मदायिनी गुर्जरी, और गुजरात में बहुत सारे जो धर्म हैं, गुजराती जो संप्रदाय है वो धन्य है। जय 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 मैं धरा गुजरी, है ना, मैं धरती पावन भूमि गुजरात की मैं धन्य हो गई। तो गुजरात के बारे में है ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और ये मैप हो सके तो ड्रॉ कर लीजिएगा नोटबुक में, है ना। ड्राइंग का भी करना है तो करिए, और ये लिखने के बाद फिर मैं आगे आपको पार्ट के शब्दार्थ लिखवाऊंगी, ठीक है।